हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में ना आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। ये मेरे पास आईफोन 11 और इसमें मैंने किया है iOS 17 को इंस्टॉल। आज हम बात करने वाले हैं हमको आईफोन 11 में और iOS 17 में हमको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं एंड हमको क्या क्या फीचर्स देखने को मिले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी चेंजेस की, तो हमको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। तो चलिए हम चलते हैं सेटिंग्स तरफ एंड आपको मैं दिखा देता हूँ कि मेरा जो बिल्ड नंबर है ना, वो दोस्तों मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल वो दोस्तों वो चेंज हुआ है। नेक्स्ट जो है ना वो दोस्तों बात कर लेना इसकी स्टोरेज की एंड इसकी स्टोरेज को मुझे ना 4 GB जो है फ्री देखने को मिली है। पहले मेरी थोड़ी सी ज़्यादा थी लेकिन अब जो है मेरी थोड़ी सी 4 GB दोस्तों मुझे इसमें फ्री देखने को मिली है। नेक्स्ट जो है वो हमको दोस्तों मॉडर्न फेयर नंबर की है, वो भी दोस्तों मुझे चेंज है। और अगर हम नेटवर्क के रिगार्डिंग कोई भी अगर इशू होगा तो मैं आपको जो है ज़रूर आपको वीडियो में बताऊँगा, तो आपको जो है चैनल को है ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इसके। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की कि हमको फीचर्स क्या क्या देखने को मिले हैं। फर्स्ट जो फीचर है वो हमारा है वॉलपेपर के रिगार्डिंग कि हमको वॉलपेपर में हमको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। तो हमको दोस्तों एक बड़ी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन देखने को मिलेगी है वॉलपेपर में कि वो ऑप्शन है लाइव वॉलपेपर की। जैसे कि मान लो कि कोई भी फोटो वगैरह होगी हमारी जो कि हमारी लाइव फ़ोटो क्लिक होगी, तो सिंपली जैसे कि मैंने अभी क्लिक करा हूँ तो मेरी जैसे कि मैं मान लो कि मैंने यही फ़ोटो जो है क्लिक कर ली है, यानी जब भी मैं इसको शेयर वाले आइकन पर क्लिक करूँगा एंड जब भी इसको मैं वॉलपेपर सेट करूँगा तो मुझे ना एक दोस्तों साइड नीचे आपको जो है बटन देखने को मिलेगा, एक लोगो देखने को मिलेगा जो कि लाइव वॉलपेपर का होगा। अगर आपने तो ऑन करना होगा वो आप दोस्तों कर सकते हो एंड आप भी दोस्तों दे सकते हैं जो है डिटेक्ट कर लिया है इसने जो है वॉलपेपर एंड अगर मैंने ऑन करना हो तो मैं प्ले वाले सेक्शन में क्लिक करूंगा। अगर आपने ऑफ करना हो तो वो भी आप दोस्तों ऑफ कर सकते हो यहाँ से ही, तो और आपको सिंपली ऐड कर सकते हो बड़े आराम से। तो नेक्स्ट जो फीचर है वो हमारा दोस्तों स्क्रीन के रिगार्डिंग होने वाला है। जैसे कि हम अपना फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आँखों के पास लेकर चलाते रहते हैं तो वो हमारा दोस्तों आँखों में भी दोस्तों जो है प्रॉब्लम करती है, लेकिन अब जो है हमारा फीचर आ गया है स्क्रीन का ही, वो दोस्तों स्क्रीन में आपको स्क्रीन टाइम में देखेंगे एंड वो फीचर है स्क्रीन डिस्टेंस का। इस पर आपको क्लिक करोगे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगी एंड इसको आपको ऑन कर दोगे। अगर आप अपने आँखों के पास लेकर ज़्यादा फ़ोन चला रहे हो यूज़ कर रहे हो एंड आपको जो है स्क्रीन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हो ऐसा कुछ आपके सामने जो है इंटरफेस होगा। जब भी आप दूर कर लोगे फ़ोन तो आपको जो है कंटिन्यू की जो है ब्लू कलर में लोगो शो हो जाएगा एंड आप कंटिन्यू पर क्लिक करके जो है आप अपने फ़ोन को दूर कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो फीचर है वो हमारा होने वाला है कॉल हिस्ट्री रिगार्डिंग। अब पहले जो है हमारी होती थी कॉल हिस्ट्री वो हमको दोस्तों 100 के पास से हमको देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो है हमको अनलिमिटेड ही देखने को मिल गया है। जितनी भी हमारी पुरानी से पुरानी होगी वो हमको कॉल हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट जो फीचर है वो हमारा होने वाला है सफारी ब्राउजर के रिगार्डिंग। अब जो है मुझे ना अब जो हमें ना प्राइवेट ऑप्शन प्राइवेट टैब की ऑप्शन देखने को मिल गई है। इसमें हम दोस्तों अपनी फेस आईडी वगैरह वेरीफिकेशन करके हम इसमें लगा सकते हैं। जब भी हमने कोई भी प्राइवेट वर्क टैब रखना हो वो हम दोस्तों रख सकते हैं, वो भी हमारे जो है फेस आईडी के साथ। काफ़ी ज़्यादा जो है सिक्योर कर दिया है आप सफारी ब्राउजर को। हम जो है इसके साथ जो है अपने फ़ोन को भी एंड अपने सफारी ब्राउजर को कुछ भी हम कर सकते हैं, सिक्योर रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो फीचर है वो हमारा दोस्तों होने वाला है एयर ड्रॉप के रिगार्डिंग। वो हमको दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शानदार एनिमेशन जो देखने को मिला है। जैसे कि आप अपने पास आपके दो फ़ोन हैं आपको एंड वो दोस्तों दोनों ही फ़ोन iOS 17 के ऊपर रन कर रहे होंगे एंड आपको दोस्तों फ़ोनों को दोनों के मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको दोनों फ़ोनों को इस तरह से आपको अनलॉक करके आपको इस तरह से आपको पास लेकर आना है। आपको नॉच वगैरह जो इनकी दोस्तों टच वगैरह करानी है, मान जाने कि आपको दोस्तों दोनों की इस तरह से सेम रखना है एंड आपको जो भी आपने फाइल वगैरह ओपन की होगी तो वो दोस्तों आपको जो है सिंपली आपकी शेयर वाले आइकन पर क्लिक कर सिंपली आपको जहाँ पर क्लिक करना है एंड आपको अपने दोनों फ़ोनों के एयरड्रॉप को ऑन करके आपको सिंपली पास वाले सेक्शन पर क्लिक करना है एंड आपके सामने जो है आपके इस तरह का आपके एनिमेशन आएगा एंड आपको सिंपली जो है आपको जो है आपको ऑप्शन देखने जो मिल जाएगी। तो ये तो जैसे कि हमारे जो है फीचर्स, अगर आप जिसके जो है फीचर जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा जो है आए हैं, तो अगर आप सभी के सभी फीचर्स देखने चाहते हो तो वो दोस्तों मैं जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए जो है आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हो जिसके साथ जो आपको जो है फर्स्ट एंड फॉल आपको वीडियो देखने को मिल जाए। तो गाइस ये थे हमारे आज के वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक्स सो मच।